आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनेट। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन सेज, अंडर सर्टेन कंडीशंस व्हेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन वाज एक्सपोज्ड टू सनलाइट नो रिएक्शन अकर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस जो हमने प्रोवाइड करी हैं, उसमें हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो मिक्सचर था उसको हमने एक्सपोज किया सनलाइट में और कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा हमें। सो उसके लिए हम क्या रीज़न बता सकते हैं? तो हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, हमें उन्हीं में से बताना है। तो ऑप्शन वन है हमारा एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, ऑप्शन टू है हमारा लो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, ऑप्शन थ्री है हमारा नो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, एंड ऑप्शन फोर है हमारा प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द रिएक्शन मिक्सचर। सो अब हम देखते हैं कि जो हमारा मॉइस्चर है, मॉइस्चर कैटलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड therefore no reaction takes place between dry hydrogen and chlorine even in the presence of diffused or intense sunlight। सो इसमें इस एक्सप्लेनेशन से हमें पता चलता है कि जो हमारा मॉइस्चर है वो कैटलाइज करता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिएक्शन को ताकि वो हाइड्रोजन क्लोराइड बना सके, मतलब H2 plus Cl2 gives HCl। इस रिएक्शन के लिए जो है हमारा मॉइस्चर वो एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। सो ये रिएक्शन चाहे डिफ्यूज में हो चाहे इंटेंस सनलाइट में हो, अगर हमारे पास मॉइस्चर नहीं होगा एज अ कैटलिस्ट सो ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। सो अब हम अपने ऑप्शंस पे वापस आते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर वन है एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बट हम देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों सही नहीं है। जो ऑप्शन बी है वो कह रहा है लो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। अभी हमने देखा चाहे डिफ्यूज सनलाइट हो चाहे इंटेंस सनलाइट हो, अगर हमारे पास मॉइस्चर प्रेजेंस है तो रिएक्शन होगा। वो बात अलग है कि जो हमारा रिएक्शन होगा उसका रेट डिफर करेगा, जैसे कि इंटेंस सनलाइट में जो हमारा रेट है वो बहुत ज़्यादा होगा और डिफ्यूज सनलाइट में रेट कम होगा। सो हमारा ऑप्शन जो सेकेंड है वो गलत हो गया। ऑप्शन सी जो है वो कह रहा है नो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये कह रहा है कि लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में रिएक्शन ही नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन फोर जो है वो कह रहा है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो ये तो कह रहा है कि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा उसके लिए कौन सी कंडीशन है, तो जो ऑप्शन फोर है वो तो रिएक्शन होने वाली कंडीशन है। सो ये भी अपने आप में गलत स्टेटमेंट हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर वन है इट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।